वार्ड नंबर 67 से बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार सुखदेवी भदौरिया ने दलबल के साथ यमुना ब्रिज स्टेशन रोड मसाले वाली गली, नगला फतूरी पेच, खलियाई मंडी, अनाथालय वाली गली व अन्य क्षेत्रों में अपने समर्थकों के साथ जोरदार जनसंपर्क किया। विशाल समूह के साथ क्षेत्र में निकली सुखदेवी भदौरिया को क्षेत्रवासियों ने भी जीत का वादा किया। वहीं सुखदेवी भदौरिया ने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर जानकारी साझा की। वहीं चुनावी प्रचार के दौरान महेंद्र सिंह सिकरवार, हरेंद्र सिंह सिकरवार, अर्चना सिकरवार, भानु प्रताप सिंह, ब्रजेश बघेल एवं समस्त क्षेत्रवासी साथ मौजूद रहे। आज हमारे द्वारा स्टेशन रोड पर खलियाई मंडी है और घाट है, तिरीबाग समाज का समर्थन मिल रहा है और हमारा कई जगह स्वागत भी किया है। वैसे तो टक्कर किसी से नहीं है, समस्याएं तो अधिक है, अधिक समस्या है खरंजी वगैरह की। समर्थन करेंगे, पूरा विकास करेंगे, इसीलिए हम मैदान में आए। क्या अपील करेंगे क्षेत्रवासियों से? यही अपील करेंगे कि हमको जिताए और हम उनका समर्थन करेंगे समाधान। आज यमुना ब्रिज स्टेशन रोड, घाट, मोतीबाग, बर्फारी वाली गली, पेट, नगला फतूरी और खलियाई मंडी, अनाथालय वाली गली, नित्यानंद वाली गली और ये जो यहाँ घाट का जो बाजार है, यमुना ब्रिज का बाजार है जी, उसमें आज जनसंपर्क किया है। कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? अपार संपर्क में सहयोग मिल रहा है जी। लोगों के जो भावनाओं में जो भरा हुआ है वो ये कह रहे हैं अब की बार भदौरिया मैडम की सरकार, वार्ड 67 में भदौरिया मैडम को लाना है और विकास कराना है। क्या अपील करेंगे क्षेत्रवासियों से? यही अपील करना चाहते हैं कि 4 तारीख को 4वें नंबर का बटन दबाकर अधिक से अधिक मात्रा में भदौरिया मैडम को जिताएं और जिताकर नगर निगम के सदन में भेजें, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो। मेरा नाम अर्चना जी। सुखदेवी भदौरिया जी बहुत ही अच्छी कर्मठ प्रत्याशी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है। पढ़ाई उन्होंने डबल एमए बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, एजुकेशन में रही हैं, अब रिटायर हो चुकी हैं और रिटायर होने के बाद भी उनका उनकी कर्मठता, उनका जोश आप सबको देखते ही बनता है। कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं सबके साथ और लगातार सबके साथ मिल रही हैं, सबको जानती हैं, सबको सबसे बात करना, सबसे मिलना उनका एक स्वभाव है। नगर निगम की समस्याओं में एक तो कूड़े का निस्तारण है, गलियों में गंदे पानी की समस्या है और पानी का है, पानी की समस्या है, क्षेत्र में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो दिखती हैं। कई जगह खरंजे वगैरह बहुत गंदे हैं, नालियों का निस्तारण सही से नहीं है, तो इसके लिए उम्मीद अच्छी है। इस बार मैं चाहती हूँ अपनी और सबको देखते हुए, सबका लगता है मुझे कि हाँ इस बार अवश्य जीतेंगी और इसी उम्मीद के साथ मैं चाहती हूँ क्षेत्र की जनता का सहयोग करें, जनता उनका सहयोग करे और वो अवश्य ही विकास करे। लाल सिंह चौहान बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, क्षेत्र की जनता उनको इस बार पूरा समर्थन कर रही है, इस ताकत के साथ समर्थन कर रही है, पूरे क्षेत्र की जनता उनके साथ है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी टक्कर में आज की तारीख में कोई नहीं। क्या अपील करेंगे क्षेत्रवासियों से? मैं क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि उनको 4 तारीख को अपना वोट दें और उनको जिता करके और नगर निगम में पहुँचा। ठीक।